कल 15 अगस्त की तैयारी हो रही है। मैंने तो 2 साल से पतंग उड़ाई नहीं, तो मैं तो भूल गया। तो मैंने दीदी के लड़कों को बुलाया भाई कि वो अच्छे से बांध दे ताकि हम कल आसानी से पतंग उड़ा पाए। वो तेरे को नहीं आती? तेरे को नहीं आती बांधने? नहीं आता है? तू ही भाई से ही बंधवाता है? अच्छा, तो आज इन लोगों ने बहुत पतंगे काटी। कितनी पतंगे काटी आज? 15 पतंगे काट दी। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू ब्लॉग पे। और आज हम मनाने जा रहे हैं आजादी के 75 सालों का स्वर्णिम महोत्सव। तो इस ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि 15 अगस्त हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और घर में हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो चलो शुरू करते हैं ये न्यू ब्लॉग। भारत माता की जय। कैसे आज बहुत ही ज्यादा खुशी है मेरे को क्योंकि आज आजादी का दिन है और आजादी के दिन पूरा देश इस दिन को मनाता है। तो मैं सुबह सुबह ही आज 4 बजे उठ गया था और द्वारका में एक साइकिलिंग इवेंट है वहाँ गया था। तो वहाँ जाके मुझे बहुत खुशी हुई। थकान तो हुई बट इतनी नहीं, क्योंकि आज आजादी का दिन है, हमारे अंदर जोश भरा है। तो आज के दिन को हम बर्बाद नहीं जाने दे सकते। को आपने भी कर ली है इंडिपेंडेंस डे की तैयारी, है ना? और ये कोको की न्यू ड्रेस है। कोको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कोको, क्या देखो कोको क्या बन गया। कोको, 15 अगस्त की तैयारी कर ली? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पतंग उड़ाना। उड़े पतंग उड़ेगा उड़ गए भाई। ये सही थी ना, उड़ी गई। भैया आपने उड़ा रहे पतंग? आपने उड़ा रहे? कट गया। इतनी तेज धूप आ जा रही है कभी कभी, इसलिए ये लोग सन ग्लासेस पहन के पतंग उड़ा रहे हैं। और चारों बनी है महारानी। भारत माता बनी है, भारत माता। चलो साड़ी पहन के आ जाए तो पूरी भारत माता बन जाएगी। कलर तूने लगा ही रखा है, ताज तूने पहन ही रखा है। चारू मैं क्या बात कर रही तू कोको से? मैं बहुत गर्मी लग रही है, इसके सीढ़ियों में जाके बैठ गई। तू तोड़ देगा मेरे बर्थडे में? क्या पहनेगी? क्या पहनो? चश्मा पहन के दिखाओ जरा। उल्टा उल्टा मैक। और आप कुछ बोलना चाहोगे? खूबसूरत लड़की हूँ मैं। मैं आप भी तो बोलो कुछ बर्थडे गर्ल। क्या आप कुछ बोलना चाहोगे? बोलो। खूबसूरत
गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है हम दोनों ये न्यू ब्लॉग में। मैग ने नहीं बोला, मैग तू भी तो बोल। पर तुम सबके नाक क्यों बह रही है, पहले तुम ये बता दो। तू खूबसूरत तो है लेकिन तू नाक क्यों बह रही, तेरे ये बता। और क्या आंच की भी दवाई खिला दी। कौन सी दवाई, किस चीज की, मतलब किस चीज की? तो अरे तो तुम्हें पूछना चाहिए, ऐसे तुम दवाई खा देते हो। मैं कैसी होती हूँ दवाई, कड़वी मीठी डालो ऊपर और पानी पी लो, और पानी पी लो। हाँ इस बार पूछ के आना, ठीक है? ठीक है मैक, तो जब खिलाएगी तो पूछना ना मैम किस चीज की। हाँ कहाँ फंस गया तू, पतंग पतंग मेरी फंस गई है, अब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्योंकि छूट नहीं रही है। अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज दिखाओ, मैं पीस रहे हो आप तो, चटनी पीस रहे हो, चटनी पीसने वाले से वो पीछे हुआ है इस वन। ऐसी पतंग फंस चुकी है कि इतनी टाइट हो चुकी है कि हम पूरे एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। अब क्या, अभी खाना खाओगे कि शाम को उड़ाओगे, अब भी उड़ाओगे क्या? नहीं नहीं अब हो गया बहुत पूरा, शाम को उड़ाएंगे यार, छाया हो जाएगी थोड़ी। उबल के हम बन चुके हैं वही तो। रिजवान आज करने वाले हैं हम एयर गन चैलेंज, और क्यांच को मैं शूटिंग सिखाऊंगा। क्यांच ऑफिसर बनना चाहता है और ये पूरा सेफ तरीके से होगा, हम चाहते हैं कि बच्चों को कुछ ना हो, इसलिए यहाँ पे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। और सामने मैंने लगाए हैं टारगेट्स, तो ये बैलून्स हैं, हमें इन बैलून्स को फोड़ना है, और क्यांच की मैं हेल्प भी करूँगा इसमें। तो क्यांच बहुत टाइम से कह रहा था कि मुझे चलाना है, तो सिखाते हैं। बट आप लोग सोचेंगे कि छोटे बच्चों को बंदूक क्यों पकड़ा दी, बट ये हम सेफ तरीके से करने वाले हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। यह है इस राइफल की कार्टेज, छोटी छोटी इसके अंदर छर्रे होते हैं, दिखाता हूँ, गिर गए तो ऐसे ये छोटे छोटे छर्रे होते हैं जो हम इसमें डालेंगे। तो ये है इसकी बुलेट, सारे निशाने सही लगे।
गया। तो 3 out of 3। ज्ञान साहब तो बहुत खतरनाक निशाना है आपका। आ जाओ। बच गया, इस बार मिस हो गया टारगेट। फिर नहीं फूटा, पता है मुझे लास्ट बार मुझे ट्राई करना पड़ेगा। अब मैं देखो मेरा निशान लगता है करता। अब मेरी मेरी बारी, ठीक है। अब मैं देखो, मैं इसको कर पाता हूँ। मेरे से भी फेल हो गया, एक और ट्राई करना चाहूँगा मैं भी, उसके बाद कैंस करेंगे। अब क्या चाहते हैं? लेट अप होता जा रहा है, लास्ट बैलून कुत्ते का नाम ही नहीं ले रहा, हमारे निशाने में सोते जा रहे हैं। फिर ट्राई करता हूँ, मैं जीतूंगा। लास्ट बैलून नाम ही नहीं ले रहा फूटने का। फाइनली क्या जीत गया।